आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लखनऊ के लिए हुए रवाना। एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने अंतरराज्यीय गो तस्करी में वांछित 25,000 के इनामी मिंटू अली उर्फ मिंटू शाह को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित अभियुक्त विजय यादव को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। धीरू पासवान सहित उसके तीन साथियों पर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा किया दर्ज, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के रूप में मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने योजना के 10 पात्र लोगों को सौंपा आयुष्मान कार्ड, कहा सभी लोग हो जागरूक, ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने में करे सहयोग। पूर्वोत्तर रेलवे ने खेल सम्मान समारोह आयोजित कर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर रेलवे स्तर पर विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के 80 खिलाड़ियों को खेल सम्मान प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया सम्मानित एवं प्रोत्साहित। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, खिलाड़ी और आगे बढ़ चढ़ कर करे प्रदर्शन और देश और रेलवे का नाम करे रोशन। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ संजय कुमार मीना ने की बैठक, किसानों को ज्यादा से ज्यादा केसीसी कार्ड बनवाने का अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा सप्ताह पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत ओडीओपी उत्पादों की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने फीता काट कर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का किया अवलोकन, कहा वोकल फॉर लोकल के तहत चुने प्रदेश व देश में बने उत्पाद। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग गोरखपुर क्षेत्र का चतुर्दश द्विवार्षिक क्षेत्रीय अधिवेशन प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर नरेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। डिप्लोमा इंजीनियर के समस्याओं पर हुई चर्चा। और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतराज यादव के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं बैंक कर्मियों ने किया स्वागत, कहा 2 वर्षों में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से यूपीएलडीबी बैंक को चलाने का किया प्रयास।